नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और आप हैं अन अकेडमी स्टूडियोज प्लसीबो पे। इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी पूरे साल और आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट इतने साफ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी कि आपको बायोलॉजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा, अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी मेरी वीडियो में तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी बेटा। ठीक है, बायोलॉजी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान, सिंप्लीफाइड और लॉजिकल हो जाएगी। हर वीडियो से पहले मैं इस चैनल का इंट्रोडक्शन देती हूँ, अन अकेडमी प्लस का इंट्रोडक्शन देती हूँ, सब्सक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। पहले आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले लेसन में हमने क्या बात की थी, मुझे ज़रा बताओ। हमने बात की थी लंग के एल्वियोलाई से ब्लड, ये ब्लड वेसल है, लंग के एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन चली जाती है ना, ये बात की थी। फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके हार्ट तक जाती है, ये ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन लेके हार्ट तक जाता है। रेड में बना लेते हैं क्योंकि जिस ब्लड के पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो रेड में बनाया जाता है, उसे ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहा है मैंने, ऑक्सीजन लंग के एल्वियोलाई से निकल के, अभी अभी पिछली क्लास में यही बात हुई थी ना, ऑक्सीजन लंग के एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में जाता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके वो हार्ट तक जाता है, हार्ट उतर के सेल्स के पास चली जाती है। ये वाली बात मैंने बताई थी। क्या भर जाती है यहाँ पे, CO2 भर जाती है, सेल्स CO2 रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर। ये ब्लड अब बेचारा गंदा हो चुका है क्योंकि एक गंदी गैस इसमें भर चुकी है, CO2 भर चुकी है इसमें, अच्छी गैस इससे निकल चुकी है। तो अब ये गंदा ब्लड, ब्लू कलर में दिखा दूं, ये वापस हार्ट के पास चला जाएगा। हार्ट कहेगा अब तू इतना गंदा ब्लड है, अब तेरा मैं क्या करूं, तो ये इसको पंप करके वापस लंग्स के पास भेज देगा कि जा ऑक्सीजन लेके आ। ये वाली बात समझ में आती है तुम लोगों को? ऑफ कोर्स अब समझ में आती होगी, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी तो हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऐसे लगी रहती है उन्हें। उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ब्लड से मिलती है। ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, लंग्स से आती है। लंग्स का एल्वियोलाई पार्ट होता है, उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से टिश्यू के पास जाती है। ये पढ़ा था हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज होता है ऐसे। अब हमें थोड़ी सी बात ये पढ़नी है आज के टॉपिक में कि जो मैं ये कहती हूँ ना कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई, मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? क्या ऑक्सीजन बस बैठ जाती है ब्लड में? ब्लड तुम्हें पता है एक रिवर की तरह बह रहा है ब्लड वेसल्स में, तो वो बैठ के क्या ऐसे ऐसे करके बैठ जाती है जैसे राव बैठते हैं और बस बहती चली जाती है, या वो किसी चीज़ के साथ कंबाइन करती है, कुछ केमिकल बनाती है फिर बहती है? आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज हम। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। समझ में आ गया? एक्सचेंज हमने देख लिया था पिछली क्लास में कि यहां से यहां क्यों कूदती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होती है और वो कम कॉन्सेंट्रेशन में कूद जाती है। अब यहां से यहां आज हमें पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इसका फोटोग्राफ क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो आगे बात करते हैं। एल्वियोलाई को इनलार्ज करके बना रही हूं, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरी लगी होती है,
लंग में एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरी रखी होती है। ऑक्सीजन को यहां से यहां क्रॉस करना है पहले, तो तभी वो ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। ऑक्सीजन क्रॉस कैसे करेगी उसके पास, पहले देखते हैं उसको कितनी बैरियर क्रॉस करने हैं, कितने बैरियर है जरा देखते हैं। एल्वियोलाई सेल्स से बना होता है, यहां पे ऐसे एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है बेटा, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है। ये पतली सी लेयर का फायदा क्या है, ताकि ऑक्सीजन इजीली क्रॉस कर सके। जितनी पतली लेयर होगी ऑक्सीजन उतनी इजीली क्रॉस कर पाएगी। इनको स्क्वामस सेल्स कहते हैं, स्क्वामस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कहते हैं। इनको क्रॉस करके वो ब्लड वेसल में चली जाती है। ये ब्लड वेसल कौन सी है, आर्टरी है कि वेन है कि कैपिलरी है, तुम्हें पता है कोई भी चीज एक्सचेंज कभी भी आर्टरी और वेन से नहीं होती है, किससे एक्सचेंज होगी, कैपिलरी से। कैपिलरी बहुत ही पतली ब्लड वेसल को कैपिलरी कह देते हैं हम, ठीक है। कैपिलरी की वॉल बना लेते हैं, कैपिलरी भी बहुत ही पतले सेल्स से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। देखो यहां भी पतले सेल्स हैं, यहां पे भी पतले सेल्स हैं, क्यों, ताकि ऑक्सीजन इजिली चली जाए। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये सारी बातें लंग्स में हो रही है। लंग्स में ब्लड गया ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि ब्लड के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड फील कर रहा है वो, तो यहाँ पे एल्वियोलाई होती है। ब्लड कहता है प्लीज़ मुझे ऑक्सीजन दे दे, तो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में है वो ब्लड में आ जाती है, ब्लड कैपिलरी में आ जाती है, वो वाली बात बता रही हूँ मैं तुझे, ठीक है। एल्वियोलाई भी बहुत पतले सेल्स का बना हुआ है, सेम सेल्स की कैपिलरी वॉल बनी हुई है, और सिंगल सिंगल लेयर है, एक लेयर ऑफ सेल्स का एल्वियोलाई बना हुआ है, एक ही लेयर पतली सी लेयर का ये कैपिलरी बनी हुई है, सेम सेल्स हैं, ये भी स्क्वामस सेल्स ही हैं। देखो बच्चों अभी एक बात बता रही हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें टिश्यू चैप्टर नहीं कराया, तो मैं समझती हूं कि तुम लोगों को ये नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी के लिए लर्न कर लो। एक और टर्म बता रही हूं, स्क्वामस सेल्स जिनसे कैपिलरी बनती है। कैपिलरी है क्या, एक पतली सी ट्यूब है, एक ट्यूब है पतली सी, है ना, उसके सेल्स से वॉल बनी हुई है, ये वॉल सेल्स से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी हुई है, इन सेल्स को क्या बोला है, स्क्वामस सेल्स बोला है ना। इन्हीं स्क्वामस सेल्स को एंडोथीलियम भी कहते हैं हम, डरना नहीं है इस नाम से, पहले बात सुनेंगे बाद में डरने का ड्रामा करेंगे। एंडोथीलियम कुछ नहीं है, अगर स्क्वामस सेल्स आपकी ब्लड कैपिलरी को बना रहे हैं तो उन स्क्वामस सेल्स की लेयर्स को एंडोथीलियम कह देंगे, कुछ भी नहीं है। देखो स्क्वामस सेल्स ये भी हैं, स्क्वामस सेल्स ये भी हैं, ठीक है। स्क्वामस सेल्स क्या होते हैं, बहुत ही पतले सेल्स को हमने स्क्वामस सेल्स कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन स्क्वामस सेल्स का एक स्पेशल नाम है एंडोथीलियम, कोई डरने की बात नहीं है, इसको एंडोथीलियम नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको, है ना। दो लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी ऑक्सीजन को, एक ये वाली स्क्वामस लेयर, एक ये वाली स्क्वामस लेयर। अब दें वो हमेशा अपने ऊपर एक लेयर लेके चलते हैं, इसका नाम समझ लेना बेटा क्या होता है, ऐसे एक लेयर होती है स्क्वामस सेल्स के ऊपर। अगर इन स्क्वामस सेल्स के ऊपर ये लेयर है तो इन स्क्वामस सेल्स के ऊपर भी ये लेयर होगी ऐसे, और इन स्क्वामस सेल्स के ऊपर भी ये लेयर होगी। लेयर क्या है मैं बता रही हूं, अभी सुनो मेरी बात। ये जो मैं पार्ट करा रही हूं ना बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है, कुछ बाहर से नहीं हो रहा है। इनको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल्स की नहीं बनी होती है, ये नॉन सेलुलर होती है,
इसमें क्या होता है तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, बस ये जान लो थोड़ा सा प्रोटीन होता है इसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, वो होता है, पर सेल्स नहीं होते प्रॉपर, नॉन सेलुलर, लिख दूं नॉन सेलुलर। तो बेसिकली इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहां पे होती है एल्वियोलाई के स्क्वामस सेल्स की, और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहां पे होती है कैपिलरी की वॉल की। तो हम इसको एक सिंगल लेयर मान लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का, इसको दो लेयर नहीं मानते, इसको एक सिंगल लेयर मान लेते हैं। तो अब ऑक्सीजन को तीन लेयर्स क्रॉस करनी पड़ी है, कौन कौन सी तीन लेयर्स क्रॉस करनी पड़ी है, पहला स्क्वामस सेल्स की लेयर क्रॉस करनी पड़ी है एल्वियोलाई के, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी है, फिर स्क्वामस सेल्स की लेयर क्रॉस करनी पड़ी है कैपिलरी के, फिर वो कैपिलरी के अंदर आ पाई है। समझ में आ गया? ये एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, अपना टॉपिक खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज सरफेस। यहां पे लिख देती हूं, दिखाओ जरा। रुको एक मिनट, थोड़ा सुंदर लिखेंगे हम, मुझे पता है बच्चों को फिर देखने में दिक्कत आती है। एक्सचेंज सरफेस हैज थ्री लेयर्स, कौन कौन सी थ्री लेयर्स हैं अभी बात की है, पहला स्क्वामस एपिथीलियम, ये जो स्क्वामस सेल्स की लेयर है इसे स्क्वामस एपिथीलियम कहते हैं बेटा। देखो जो बच्चे मतलब मैंने अभी टिश्यू चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैं समझ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनो। एपिथीलियल टिश्यू एक प्रकार का टिश्यू होता है बॉडी में, एपिथीलियल टिश्यू बड़े सारे आगे भी उसके टाइप्स होते हैं, तो ये एक स्पेशल प्रकार का एपिथीलियल टिश्यू है जिसे स्क्वामस एपिथीलियल टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, कोई बात नहीं, जब टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी तो एल्वियोलाई पहली लेयर ये है, सेकंड लेयर क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर है, है बच्चों नॉन सेलुलर है। तीसरी लेयर क्या है एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, बस ये तीन लेयर्स हैं एक्सचेंज सरफेस की। ये लो एंडोथीलियम को थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश बना देते हैं, दिस इज एंडोथीलियम, दिस इज एंडोथीलियम। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर है। तो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कहीं पे नीट में क्वेश्चन आता है, अगर मान लो स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, प्लीज एक्सप्लेन द एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग्स, गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है लंग्स में उसको एक्सप्लेन करो। तो तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं कहना, तुम्हें कहना है ये एक्सचेंज सरफेस तीन लेयर्स का बना हुआ है, उसमें से पहली लेयर एल्वियोलाई में मिलती है जिसे हम स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई कहते हैं, दूसरी लेयर कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में मिलती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कतई ही नॉन सेलुलर है, और तीसरी लेयर कैपिलरी की वॉल में मिलती है, ये भी स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है लेकिन इसका एक और नाम है एंडोथीलियम। तो तीन लेयर्स को क्रॉस करके जो गैस है वो यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली CO2 को उल्टी साइड जाना है तो CO2 भी इन्हीं तीन लेयर्स को क्रॉस करके यहां पे आएगी, गैसियस एक्सचेंज हो गया। गुड गुड, चलो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। इजी पीजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है।
डन, आगे चलते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सब लंग्स के अंदर हो रहा है, तुम समझ रहे हो। अब ये ब्लड वेसल ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहाँ जाएगी ये? हार्ट के पास जाएगी। यही बताया था मैंने, लंग्स में से ऑक्सीजन लेके ब्लड वापस हार्ट के पास जाता है ताकि हार्ट उसे पूरी बॉडी में भेज सके, है ना। अगला टॉपिक अब हमारा शुरू होएगा कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई है ना, ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, किस मैकेनिज्म से हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये क्या बना रही हूं अभी मैं, अभी तुम्हें पता होना चाहिए, एल्वियोलाई बना लिया। अब ब्लड वेसल को मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूं क्योंकि अभी यहीं पे ही बात करनी है। ऑक्सीजन यहां से, ऑफ कोर्स यहां पे एक लेयर है, अब तो तुम समझते हो, यहां पे भी एक लेयर है, बीच में भी लेयर है, अभी तुम समझते हो, ठीक है। यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो गई, अब ये बहुत खुश है, ये ऑक्सीजन है। अब ये कह रही है मैं चलूंगी, जो बेचारे सेल्स हैं मेरे बिना मर रहे हैं, मेरे बिना तड़प रहे हैं, मैं उनके पास चली जाऊंगी। ये जाना चाहती है, ट्रांसपोर्ट होना चाहती है। तो ये ब्लड एक रिवर की तरह है, अब ये रिवर में आ तो गई है ऐसे करके, फिर अब ये कह रही है मैं क्या करूं, कैसे जाऊं रिवर में, तैरते हुए जाऊं, कैसे जाऊं, बोट लूं, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि अभी क्या करेगी। ऑक्सीजन एज अ गैस इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड्स। ये समझ में आया क्या लिखा है, दोबारा लिख देती हूं, सॉल्युबल इन लिक्विड्स। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है लिक्विड्स में। तो अगर तो ऑक्सीजन यहां पे सॉल्युबल होती तो सिंपली अपने बबल बना लेती और फिर बबल में इसमें चली जाती, ब्लड में चली जाती। अब तुम्हें पता है ब्लड में दो चीजें होती हैं, ब्लड में क्या होता है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं। ये थोड़ा और साफ लिख देती हूं, रुक जाओ। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और सेल्स। ये बात तुम लोगों को नहीं पता है तो अभी जान लो, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूं। किसी भी ब्लड वेसल में एक तो लिक्विड पार्ट होता है, ये मान लो ब्लड वेसल है, एक तो इसमें लिक्विड पार्ट है, येलोइश कलर का लिक्विड होता है यहां पे, ठीक है। किसी भी मतलब किसी भी तो क्या, ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, पानी होता है बेसिकली, ये पानी होता है और कुछ प्रोटीन घुले होते हैं इसमें। उसके अलावा यहां पे सेल्स पड़े होते हैं, दो तीन प्रकार के सेल्स मिलते हैं ब्लड में, अभी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक सेल याद रखना है, आरबीसी। यहां पे आरबीसी पड़ा होता है ऐसे, क्या बोला मैंने अभी, मैंने कहा ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। अब ऑक्सीजन को पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे जाऊं ब्लड में, वो जानने के लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ब्लड में क्या चीजें हैं, यहां पे कुछ लिक्विड पड़ा होता है, एक लिक्विड पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली पानी ही है, पानी थोड़ा सा उसमें प्रोटीन्स में घुल गया है, तो इसको प्लाज्मा कह देंगे, ब्लड प्लाज्मा पड़ा हुआ है। प्लस यहां पे एक मेन चीज पड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा सेल पड़ा हुआ है, ज-
जिसको क्या बोला मैंने अभी बताओ? जल्दी बोलो बच्चों, आरबीसी कह दिया है। अब देखो ब्लड में और भी सेल्स हैं लेकिन मुझे भी उनकी बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आरबीसी की बात करनी है अभी मेन, क्योंकि आरबीसी इज द सेल विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड के अंदर एक सेल पड़ा हुआ है जिसको आरबीसी कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है कि या तो वो प्लाज्मा में ही तैरती हुई चली जाए या वो इस आरबीसी के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है देखते हैं। ऑक्सीजन जितनी भी आए यहां पे, जितनी भी आए, उसका 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, प्लाज्मा में ही रहती है, और 97% अंदर घुस जाती है। अभी मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर वो बहुत कम है। ऑक्सीजन इज वेरी इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड्स। ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन लिक्विड्स, तो वो क्या इस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबलाइज होगी यहाँ पे? नहीं होगी ना, तो बहुत कम सॉल्युबल होगी वो। जितनी भी यहाँ पे आएगी उसमें से सिर्फ 3% ही सॉल्युबल होगी यहाँ पे, तो 3% वो अपने बबल्स बना के प्लाज्मा में जाने लग जाएगी। 3% प्लाज्मा में रहेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सॉल्युबल तो है ही ना वो प्लाज्मा में। 97% वो आरबीसी में आ गई। अब आरबीसी के अंदर वहां पे क्या होएगा, देखो आरबीसी के अंदर स्पेशल मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं जो कि ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए ही बैठे होते हैं। ऑक्सीजन अंदर आएगी आरबीसी में तो भैया आरबीसी एक कमरे की तरह है, तो अब मैं मान लो ऑक्सीजन हूं, मैं आ गई आरबीसी के अंदर, तो मैं क्या करूं यहां पे? मैं तो वापस भाग जाऊंगी, पर मुझे एक मॉलिक्यूल मिलेगा यहां पे, वो मुझे पकड़ लेगा तो वो मुझे आरबीसी से बाहर नहीं भागने देगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं क्या? यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस चीज के जो कि ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बेसिकली ब्लड में आई, 3% उसका प्लाज्मा में चला गया, 97% वो अंदर चली गई, और जैसे ही वो अंदर गई उसको हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा। ऑक्सीजन का कलर क्या बनाऊं, जरा सुंदर सा कलर बताओ मुझे कोई। ग्रे देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, 3% ये यहीं पे डिसॉल्व हो गई, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, 97 अंदर पर चली गई, और 97% को अंदर जाते ही किसने पकड़ लिया? हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया। ये देखो पकड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है जिसको हीमोग्लोबिन ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन इसको पकड़ के ऐसे बैठ जाता है, मैं नहीं जाने दूंगा, और फिर आरबीसी चल पड़ता है एक बोट की तरह। तो ऑक्सीजन अब ट्रैप्ड है एक बोट पे, 97% ऑफ द ऑक्सीजन इस बोट पे ट्रैप्ड है, और अब ये बोट आराम आराम से जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन को कैसे पकड़ पाता है। चलो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करते हैं। चलो करा बेटा, कर लिया। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो प्यारे बच्चों, पहली बात तो एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? एक हीमोग्लोबिन होता है, दो हीमोग्लोबिन होते हैं, 10 हीमोग्लोबिन होते हैं। 280 मिलियन पार्टिकल्स एक आरबीसी के अंदर होते हैं। देर आर 280 मिलियन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म एचबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन इन। चार ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं,
जिन्हें हम हीम कहते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर, हर एक हीमोग्लोबिन के अंदर चार हीम पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर एक एक वो बैठा होता है, मेटल बैठा होता है, ऐसे बैठा होता है, अरे एक मिनट, एक मेटल बैठा हुआ है, कौन सा मेटल बैठा हुआ है, आयरन। तभी कहते हैं आयरन खाया करो, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, आयरन की कमी से खून बनना बंद हो जाता है, खून नहीं सही से बनता है, लेमैन लैंग्वेज में तुमने सुना होगा, बहुत बार हॉस्पिटल्स में सुना होगा। एक्चुअली आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं बनेगा, समझ रहे हो, इसलिए आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, क्यों, क्योंकि ये हीम के अंदर बैठा हुआ है। अब हर हीम के ऊपर चार चेन्स लगती हैं, हर हीम के ऊपर एक एक चेन, मतलब ऐसे, ठीक है, इन चेन्स को ग्लोबिन चेन्स कहते हैं। ये ग्लोबिन चेन बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोटीन, ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझाया तुम लोगों को, हीमोग्लोबिन में चार हीम होते हैं, ठीक है, और चारों हीम के ऊपर एक एक ग्लोबिन की चेन लगी होती है। ग्लोबिन की चेन क्या है, एक प्रोटीनेशियस चेन है, सही बात है। तो जब ऑक्सीजन आरबीसी में एंटर करती है तो वो इस हीम के ऊपर जाके चिपक जाती है। अब जब ऑक्सीजन ने एंटर किया, ऑक्सीजन यहां पे आई, ऑक्सीजन को हीम ने पकड़ लिया, यहां पे बॉन्ड बना लिया, फिर एक और ऑक्सीजन आई, उसको इस आयरन ने पकड़ लिया, फिर एक और ऑक्सीजन आई, उसको इस आयरन ने पकड़ लिया, फिर एक और ऑक्सीजन आई, उसको इस आयरन ने पकड़ लिया, दिख रहा है ना तुम लोगों को स्क्रीन पे, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये कितने ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, समझ में आया, चार हीम है, चार ग्लोबिन है, हर एक हीम एक, ये क्या है, ये O2 है बेसिकली, हर एक O2 को पकड़ सकता है एक आयरन का मॉलिक्यूल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्या मैं इसको और क्लियरली बनाऊं या ये समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बता सकूं। चलो 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 बच्चों, डन, इस पूरे को इरेज कर रही हूं अभी, चलो पहले बस इतने को इरेज करती हूं, दोबारा सुनो, अब तुम्हें मैं हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाने के बोलूं तो तुम डरोगे तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चार हीम के पार्टिकल्स ले लेना, हीम ले लोगे, चार उसमें आयरन ले लेना, या सीधा एफ ही लिख लेते हैं, लाओ चार एफ ही ले लेना, ले लिए, चार ग्लोबिन चेन ले लेना, ले लिए, ये एक हीम का पार्टिकल है, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, ये एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल है, ये ग्लोबिन चेन आ गई ना, अब हीमोग्लोबिन से कौन कंबाइन करेगा आके, ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, तो यहां पे एक ऑक्सीजन आके लग जाएगी, 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 अब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीजन को पकड़ के बैठा है, तो अब इसको हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब इसको हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, अगर तुम्हें हीमोग्लोबिन कहना है तो जरा ऑक्सीजन को हटा दो फिर, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, चार हीम और चार ग्लोबिन, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ जब ऑक्सीजन लग जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
समझ में आ गया क्या बात करी है हमने अभी तक? ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करेगी, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में ही डिजोल्व हो जाएगी, पानी में ही डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है पानी में, लिक्विड में बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 3% ही प्लाज्मा में सॉल्युबल है। 97% एंटर कर जाएगी आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर कौन बैठा है इसको ट्रैप करने के लिए? वो कह रहा है बेटा तू एक बार आ तो जा, तुझे तो मैं बताता हूँ, कहीं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ये जैसे ही एंटर करा अंदर कौन बैठा था? हीमोग्लोबिन बैठा था। हीमोग्लोबिन का हमने डिटेल स्ट्रक्चर कर लिया कैसा होता है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगी, चार चार ऑक्सीजन को एक एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पकड़ लेगा। तो मतलब हर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे चार ऑक्सीजन लगा दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें सही आ रही है वीडियो में? क्लियर, समझ में आ गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के यहां से ले जाएगी टिश्यूज के पास। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है एल्वियोलाय से, यहां से हमने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया। ऑक्सीजन को कैसे कैप्चर किया? मैक्सिमम तो आरबीसी में ही बैठ गई है ये, थोड़ी बहुत प्लाज्मा में चली गई है। अब ये ब्लड घूमता घुमाता कहाँ गया? हार्ट के पास चला गया। पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है, फिर ये ब्लड वापस निकल के किसके पास जाता है? चलो बेटा, टिश्यू के पास जाएगा, सेल के पास जाएगा। ये सेल बहुत ही परेशान है, क्यों? इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन अब इसका अच्छा टाइम आने वाला है, अपना टाइम आएगा, आने वाला है अब इसका। कैसे आने वाला है भैया? ये आरबीसी लेके आ रहा है यहां से। यार ये तो बहुत ही गंदा बन गया यार, थोड़ा सुंदर बनाया जाए, है ना? कतई बदसूरत है ये तो डायग्राम। कभी कभी ना मैं भावनाओं में बह जाती हूँ बच्चों, फिर गंदे डायग्राम बना देती हूँ मैं। अब मैं अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? चलो अभी समझ में आ रही है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस इट इज वेरी क्लियर। ऑक्सीजन यहां से आ गई है ब्लड में। अब यहां से आते ही उसको डिसीजन लेना था कि मुझे प्लाज्मा में जाना है कि आरबीसी में जाऊं। उसने एक डिसीजन लिया, कहती मैं तो 97% तो आरबीसी में जाऊंगी और 3% मैं प्लाज्मा में ही रहूंगी। अब ये पूरी की पूरी ट्रैवल होके सेल के पास पहुंच गई है। अब देखो क्या होगा। ये आरबीसी भी यहां पे आ गया। आरबीसी के अंदर कौन बैठा हुआ है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के ऊपर कितनी ऑक्सीजन लगी हुई है? चार ऑक्सीजन लगी हुई है। आई होप तुम्हें ये ऑक्सीजन दिख रही है बेटा, थोड़ी और बड़ी बनाती हूँ। हर हीमोग्लोबिन के ऊपर चार ऑक्सीजन लगी हुई है। और कितने हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स हैं हमारे पास? 280 मिलियन। तो तुम समझ रहे हो 280 मिलियन के ऊपर चार चार हीमोग्लोबिन इसके ऑक्सीजन के पार्टिकल्स लगे हुए हैं ऐसे। और कुछ ऑक्सीजन हमारी प्लाज्मा में है। कितनी 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 कितनी? 3% O2। 97% का है हीमोग्लोबिन में लगी हुई है। अब यहां पे इसके पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन यहां से निकल के यहां जाना शुरू कर देगी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई होता है, मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ से और फिर हीमोग्लोबिन से भी छूट छूट के यहाँ पे जाना शुरू कर देगी। अब ऑक्सीजन पहुँच गई यहाँ पे और सेल
जो कि बहुत दुखी था, अब ही इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. ये लो ये लो. ओहो 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 हो ओहो हो. देख रहे हो लौंडे की खुशी. ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है. एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को पकड़ना, आरबीसी द्वारा पकड़ना और थोड़ा सा प्लाज्मा में रह गया, फिर सेल्स के पास लेके जाना, फिर सेल्स ने के पास जाते ही आरबीसी में से, हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन छूट जाएगी और यहाँ पे चली जाएगी, और प्लाज्मा में से कुछ ऑक्सीजन छूट जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी. ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है. देखो आज के लेक्चर में तुम्हें शायद मैं ये बात नहीं बताऊंगी, अगले लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन एक बात सोचने की है. यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए बेताब था हीमोग्लोबिन. याद है लंग्स में हीमोग्लोबिन ये कह रहा था कि बेटा तुम आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है. तो जैसे ही ऑक्सीजन आई हीमोग्लोबिन ने उसको बाइंड कर लिया था. अब नहीं छोड़ूंगा, मेरी जाने मन कहाँ जाएगी, बाइंड कर लिया था. हर एक हीम पार्टिकल ने एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लिया था. अब ये गया टिश्यूज के पास. अब टिश्यूज तड़प रहे हैं, टिश्यूज कह रहे हैं कि प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो मैं मर जाऊंगा. हीमोग्लोबिन कह रहा नहीं मेरी है मैं नहीं दूंगा. फिर उसने उसको लगाया टिश्यूज बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसने अपना ऑक्सीजन निकाल के चलो दे भी दिया टिश्यूज को. बात यह है कि इतनी आसानी से हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता. कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे ऑक्सीजन छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन टाइटली पकड़ने के लिए मजबूर करते हैं. सो अगली क्लास में हम ये फैक्टर्स पढ़ेंगे. फैक्टर्स मतलब ऑक्सीजन को किस फैक्टर की वजह से हीमोग्लोबिन टाइटली बंद करता है लंग्स में, और फिर किन फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब मजबूरियाँ, किन मजबूरियों की वजह से उसे ऑक्सीजन देना पड़ता है टिश्यूज़ को, ये मजबूरियाँ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. समझ में आ गई इतनी बात, आज वाली ये इतना ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया. गुड गुड, समझ में आ गया. तो अब थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, इस चैनल पे मैं अपनी सारी इतनी हाई क्वालिटी टीचिंग की वीडियोस यहाँ पे डालूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे तुम लोगों को देखने का. अब तुम लोग देख ही रहे हो कितना क्लियरली तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है. इसी तरीके से फिजिक्स की भी अपलोड होंगी, इसी तरीके से केमिस्ट्री की भी अपलोड होंगी. तो ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, ठीक है. तो इसको तो बेटा तुम जितना फैलाओगे ना उतना तुम सोशल वर्क ही कर रहे हो, कि कोई कितने बच्चे हमारी इसमें इंडिया में स्ट्रगल करते हैं सिंपल सिंपल बातें समझने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं या अच्छे साधन नहीं मिल पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखने के लिए. तो प्लीज़ ये चैनल स्प्रेड करो बेटा, ताकि जो बेनिफिट तुम्हें मिल पा रहा है अभी पढ़ के दूसरे लोगों को भी मिले. दूसरी बात, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है बेटा. उसमें क्या होता है, जैसे आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करोगे, स्पेलिंग तो तुम देख ही पा रहे हो मेरी टी शर्ट पर लिखी हुई है, ये डालना, नेट पे जाना, ये सर्च करना, इसकी ऐप डाउनलोड करना. इसकी ऐप में नीट का ऑप्शन आएगा, नीट की तैयारी का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करना, ठीक है. वहाँ पे तुम्हें 20 प्लस टीचर्स पढ़ाएंगे बेटा. यहाँ तो सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ ना जैसे, और एक दो टीचर्स और पढ़ा रहे हैं. वहाँ पे तुम्हें टोटल में 20 टीचर्स रोज़ पढ़ाएंगे, अपनी क्लासेस देंगे, ठीक है. क्लासेस देंगे का मतलब, जैसे मान लो तुमने किसी टीचर की क्लास पे क्लिक किया, तुम्हारे फोन में उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, टीचर तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे साइड में, यहाँ पे उनका काम किया हुआ दिखेगा. जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ना काम किया हुआ, वैसे उनको यहाँ पे तुम्हारा ये उनका काम किया हुआ यहाँ पे नजर आएगा. और यहाँ पे आएगी चैट, तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो वहां पे तुम 20 प्लस टीचर्स में किसी का भी तुम्हारा मन करता है मुझे तो इस टीचर से पढ़ना है, मान लो मुझसे पढ़ना है, तो तुम मेरी क्लास पे क्लिक करो, तो मैं ऐसे फोन पे तुम्हारे स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे मेरी शक्ल आएगी, मैं बात कर रही होंगी और मैं यहाँ पे लिख रही होंगी जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एग्जैक्टली वैसे लिख रही होंगी. और यहाँ पे तुम लोग चैट कर सकते हो, जैसे तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं देखूंगी अच्छा वैभव समझ में नहीं आई बेटा, चलो मैं बता देती हूँ, इस तरीके से, समझ रहे हो. देन स्पेशल डाउट सेशन ले सकती हूँ वहाँ पे मैं तुम्हारे, कि तुम्हें नहीं समझ में आई, हाँ बेटा आज हम डाइजेशन चैप्टर का डाउट सेशन लेंगे, बताओ क्वेश्चंस क्या, तुम क्वेश्चंस टाइप करोगे मैं आंसर दूंगी, या तुम कहोगे मैम पिछले इस साल के नीट में क्वेश्चन आया था मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन टाइप करोगे मैं आंसर दूंगी,
ठीक है, फिर वहाँ मैं तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकती हूँ, पिछले पिछले नीट के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करा सकती हूँ मैं तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। देन मैं तुम्हारे डाउट सेशंस ले सकती हूँ, देन मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज दे सकती हूँ, मुझे पता चलता रहेगा तुम कैसा पढ़ रहे हो और तुम्हें भी पता चलता रहेगा तुम्हारी तैयारी कैसी हो रखी है। सो वहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं और सिर्फ मेरे ही नहीं 20 टीचर्स हैं, और ये टोटल टोटल फीस तुम्हें कितनी पड़ेगी इसकी, 25,000 रुपीज़ पूरे साल की। और 25,000 में से भी बेटा ऐसे तुम्हारा पेमेंट ऑप्शन जब आएगा, 25,000 में से भी अगर तुम ये कोड यूज करोगे ना, रितु लाइव, मेरा नाम यूज करोगे रितु लाइव, तो तुम्हें ऑफ मिलेगा 10% का। 25,000 में से भी 22,500 की बच जाएगी। सो 22,500 में तुम्हारी पूरे साल की नीट की तैयारी, तुम्हारे पूरे साल की बोर्ड्स की तैयारी, तुम्हारे पूरे साल के स्कूल एग्जाम की तैयारी, ठीक है। कोई झंझट नहीं, कहीं नहीं जाना, इतने सस्ते में, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है बेटा, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो सेशन एंड करती हूँ मैं यहाँ पे, अगली बार मिलेंगे, ये मजबूरियाँ पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन की क्या मजबूरियाँ थी कि उसको ऑक्सीजन देना पड़ा टिश्यू को। चलो ओके, बाय बाय, आई विल सी यू।